फ्रेंड्स इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उससे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और फ्रेंड्स आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं संविदा शाला वर्ग 1, 2 और 3 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बाल विकास के प्रश्न। हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण बाल विकास हो सकता है, सिद्धांत पूछे हैं, सारे सिद्धांत आपको आज यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पर पहले हम सिद्धांत और उनके प्रतिपादक की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है विलियम वुड को। किसे माना जाता है? वो विलियम वुड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 2 देख लेते हैं, वो है हमारे पास आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये है विलियम जेम्स। अभी बच्चों वीडियो पूरा देखना क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको ये सारे एक ट्रिक के माध्यम से किस तरह याद होंगे। और एक छोटी सी बात बता दूं, जो भी बच्चे ने मुझे अनअकैडमी में अभी तक फॉलो नहीं किया है वो अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो के नीचे मैंने कुछ संविदा शाला शिक्षक के लिए, कुछ यूपीटेट के लिए, सीटेट के लिए कुछ वीडियोज की लिंक दी गई है, वो सारे वीडियोज आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला मैं ले लेता हूँ यहाँ पर प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो वो भी कौन है? विलियम जेम्स है। आत्मा संप्रत्यय की अवधारणा भी किसकी है? ये भी विलियम जेम्स की ही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए हम, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक यहाँ पे क्या था? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड, और आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है थॉर्नडाइक। और आप बात करेंगे यहाँ पर प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, तो ये भी होगा थॉर्नडाइक जी का। अगला ले लेते हैं हम यहाँ पर, और ये सारे बता दूं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और आगे आपको रख लूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, तो प्रत्न और भूल सिद्धांत, ये प्रत्न और भूल सिद्धांत किसका है? ये भी थॉर्नडाइक जी का ही है, प्रत्न और भूल सिद्धांत। और 8 वाला हम देखे संयोजनवाद का सिद्धांत, ये भी किनका है? थॉर्नडाइक जी का ही है। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी किसका है? थॉर्नडाइक जी का ही है। एस आर थ्योरी के जन्मदाता, ये कौन है? थॉर्नडाइक जी ही है। अधिगम का बंद सिद्धांत, ये भी किनका है? थॉर्नडाइक जी का ही है। अगला मैं रख लू आपको, तो संवादवाद का सिद्धांत, ये भी किसका है? थॉर्नडाइक जी का ही है। आगे आपको रख लेता हूं मैं यहां पर बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी किसने दिया हुआ है? एडवर्ड थॉर्नडाइक जी ने ही दिया हुआ है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बीने साइमन है। चलिए फ्रेंड्स इससे पहले आपको मैं रख लेता हूं एक ट्रिक्स में, जिसके माध्यम से मैंने बताया अभी थॉर्नडाइक स्पेशल। छोटी सी ट्रिक्स आपके सामने है जिसके माध्यम से अभी जो मैंने बताया थॉर्नडाइक जी के सारे सिद्धांत आपको याद हो जाएंगे। आपको क्या छोटी सी लाइन याद करना है? शिक्षा प्रयास और प्रत्न से सर उसे प्रशिक्षण से अधिगम बहुत सिखा दो। क्या होगा? सिखा दो, यहाँ दिखा दो लिखा हुआ है पर वो सिखा दो है। और ट्रिक्स मैंने खुद ने बनाई हुई है, यहाँ पर क्या याद करना है आपको? शिक्षा प्रयास और प्रत्न से सर उसे प्रशिक्षण से अधिगम बहुत सिखा दो। देखिए यहाँ पर आपको ये सिंपल सी लाइन याद करने के बाद करना क्या है आपको, देखिए यहाँ शिक्षा का आप देखेंगे यहाँ तो आपको मिल जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, वो कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक जी है, इसे याद रखना है आपको। प्रयास में आ जाएंगे आप तो यहाँ मिल जाता है आपको प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, जिसे ट्रायल एरर मेथड बोलते हैं, वो भी किसका है? थॉर्नडाइक जी का है। यहाँ देखिए और को आप हटाइए, साइलेंस वर्ड है ये, प्रत्न को ले लीजिए, तो प्रत्न से क्या हो जाएगा? प्रत्न और भूल सिद्धांत, एडवर्ड थॉर्नडाइक जी। आगे मैं चलूं यहाँ पर सा से ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा भैया? संयोजनवाद का सिद्धांत, वो भी किसका है? थॉर्नडाइक जी का ही है। सर ले लेते हैं हम यहाँ पे, सर से ये ले लेंगे हम एस आर थ्योरी, वो के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक जी है। और यहाँ पर ऊ से ले लेंगे हम तो वो मिल जाएगा अपने को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अब क्या बचा है? प्रशिक्षण से अधिगम। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन में कवर नहीं हो रहा है, चलिए कोशिश करते हैं यहाँ पर कवर करने की। यस चलिए तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये देखिए जो प्रशिक्षण लिखा हुआ था उससे हो जाएगा प्रशिक्षण आंतरण का सिद्धांत जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे आप
प्रशिक्षण के बाद ट्रिक्स में, तो अधिगम, ये अधिगम लिखा हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, से संवादवाद का सिद्धांत हो जाएगा और अधिगम से अधिगम का बंध का सिद्धांत हो जाएगा और बहुत जो लिखा हुआ है उससे बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत हो जाएगा। तो इसकी सहायता से बच्चों आप सारे के सारे जो है याद कर लीजिए, ये जो अभी मैंने बताया आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सभी बच्चों बता दूं आपको, तो सभी बच्चे इसे याद कर लेंगे इस ट्रिक को। तो बच्चों क्या आप लोग यहाँ पर संविधानशाला के और भी वीडियो देखना चाहते हैं एमपी के लिए या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो के नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वो भी आप उससे वीडियो जरूर देखना, अभी वीडियो बहुत लंबा चलने वाला है। और एक बात और बता दूं, आप हमारी लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करना जो 7:40 में होती है, शाम को 9:00 होती है और 11:00 3 लाइव क्लासेस होती है और फ्री में पीडीएफ दिया जाता है। वो कैसे मिलेगा आपको बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो, या कहीं भी बता सकता हूं, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए 15वें नंबर का ले लेते हैं। यहाँ पर बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा हुआ है, बीने और साइमन जी के। अगला ले लू मैं यहाँ पे, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसे माना जाता है, बीने जी को। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बीने जी का, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन, समान व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत का प्रतिपादक स्पेयरमैन के द्वारा, बुद्धि के द्वि शक्ति का सिद्धांत वो भी किसने दिया हुआ है, स्पेयरमैन ने। और यहां पर अगर हम देखें तो त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड जी ने दिया हुआ है त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत। चलिए आगे ले लेता हूं बच्चों आपको सभी को, बुद्धि संरचना का सिद्धांत वो भी किसका है, गिलफोर्ड जी का है, याद रखना आप, ये गिलफोर्ड स्पेशल चल रहा है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत ले लें आप, त्रियामी का सिद्धांत ले लें तो किसका है, ये गिलफोर्ड जी का है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन जी का है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक ये भी थर्स्टन जी है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक वो भी कौन है, थर्स्टन जी ही है। और मैं बात करूं यहाँ पर समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक वो भी कौन है, थर्स्टन चैब है। यहाँ बात करें हम न्याय दर्शन प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत वो भी किसका है, थॉमसन जी का है। तो चलिए आगे भी ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, हमें कवर करना है सारे ही। तो यहाँ देखिए तो यहाँ मिल जाता है आपको क्रमिक महत्व, जिसे हम बोलते हैं पदनुक्रमिक सिद्धांत का महत्व किसका है, बट और बर्नर का है। ये तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है, ये दिया गया है आर बी कैटल के द्वारा। अगला यहाँ पे हम प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा न्याय दर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन जी का है, यहाँ पर तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत बी आर बी कैटल जी का है, और प्रतिपादक सिद्धांत जो प्रतिकारक सॉरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आर बी कैटल जी ही है। ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। बुद्धि का और खा ये कितने दिया है, हैब ने दिया हुआ है। बुद्धि इकाई सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन ने दिया हुआ है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादक ये कौन थे, विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक ये कौन है, विलियम वुड। आगे मैं आपको रख लूं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन प्याजे। और आपको आगे रख लूं तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे जी के नाम है, विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी जीन प्याजे जी का नाम है। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल है। हार्मिक का सिद्धांत ये भी विलियम जी का है। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है, ये पॉम्पोलॉजी किसने माना हुआ है, पॉम्पोलॉजी जी ने माना हुआ है मन मस्तिष्क का विज्ञान। और यहाँ पे देखूं मैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, ध्यान रखना स्किनर जी का है। और यहाँ मैं देखूं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत वो किसका है, वो भी वी एफ स्किनर जी का है। यहाँ देखिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसका है, इवान पेट्रोविच पावलोव। और यहाँ पे हम बात करें संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत वो भी पावलोव जी का ही है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वो भी किसका है, पावलोव जी का ही है। और यहाँ देखें तो प्रतिस्थापक का सिद्धांत ये भी किसका है, पावलोव जी का ही है। और आगे मैं आपको रख लूँ यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाता है प्रबलन,
या जिसे पुनावलन कहते हैं, इसका सिद्धांत किसका है? तो ये सी एल हेल का है। अब जो सारे चलेंगे वो इन्हीं के हैं जिसमें व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत है, सबलीकरण का सिद्धांत है और संपोषक का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत किसने दिए हुए हैं? सी एल हेल ने दिए हुए हैं। आगे आपको रख लूं मैं यहां पर, तो यहां पर चालक अंतनोद का सिद्धांत भी सी एल हेल का ही है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये किसका है? कॉहलर का है ये। और बात करें हम यहां पर 54 की, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वो भी किसका है? कॉहलर का है, वर्दीमर का और कोफा, ये तीनों का है ये। गैस्टल्ट, गैस्टल्टवाद संप्रदाय की जनक कौन है? ये कॉहलर, वर्दीमर और ये तीनों ही है। क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है? कॉट लेविन जी का। तल रूप का सिद्धांत किसका है? कॉट लेविन जी। समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? ये भी लेविन जी है, कॉट लेविन का पूरा नाम है। समीपद संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? गुथरी का है। और अब बात करें यहाँ साइन चिन्ह सिद्धांत किसका है? टॉलमैन का है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। अग्रामी संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविस आशुबेल। सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है? ये बहाफ है। मनोविज्ञान के प्रतिपादक संप्रदाय के जनक कौन है? ये भी वॉटसन जी है। अधिगम व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये क्लर्क है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बाडुरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसका है? स्टेनले हॉल। अधिगम शोपन की के प्रतिपादक कौन है? तो ये गिनी जी है। यहां पर आगे भी आपको रख ले, यहां पे विकास का सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली में करके सीखने का सिद्धांत किसका है? जॉन डीवी जी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अधिगम मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? तो ये हैविक हॉस है। और अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो ये ब्रूनर है। आगे हम चले यहां पर संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर जी का है। सामान्यकरण का सिद्धांत सी एच जी का है। और यहाँ देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सॉरी शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो वॉल्फ है। और अधिगम आंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो ये बगेले ने दिया हुआ है। और आपको आगे लेकर चलने से पहले बता दूं कुछ ट्रिक्स के बारे में, जो मैंने आपको ट्रिक्स दी हुई है उसे हम देख लेते हैं। ये पीडीएफ तो बहुत बड़ा है, इतने सारा अगर मैंने पढ़ाना चालू कर दिया तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे मैं यहाँ पर ले लूँ तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा ट्रिक जो है आपकी, ये ना थ्रस्टन के ऊपर बनी हुई है। समूह से क्रमबद्ध युग बना लो, ये ट्रिक है। देखिए समूह या खंड बुद्धि का सिद्धांत पहला, ये भी किसका है? थ्रस्टन जी का ही है। और ये साथ से भी क्या हो जाएगा, दृष्टि का सिद्धांत भी थ्रस्टन जी का है। और ये का से हो जाएगा क्रमबद्ध अंतराल का के प्रतिपादक भी थ्रस्टन जी है। यू से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? ये भी थ्रस्टन जी ही है। आगे आप बच्चों को रख लूं मैं यहाँ पर विकास की संज्ञा, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जो है जीन प्याजे जी है, आपको पता है ये। और संज्ञानात्मक विकास भी किसके नाम पे है? जीन प्याजे जी की ही है। तो ये सारी इस तरह की और भी ट्रिक्स है, अगर ये सारी ट्रिक्स आप देखना चाहते हैं या इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ में अगर इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए आप टेलीग्राम ऐप, और उसके बाद आप जुड़ जाइए हमसे हमेशा के लिए और पाते रहिए फ्री पीडीएफ जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके अबाउट्स में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी सजेशन हो तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।